नमस्ते फ्रेंड्स, सुधा कुकिंग ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ सूजी पेटीज की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो काफ़ी टेस्टी लगती है, साथ में हेल्दी तो है ही। आप इसे एक बार बच्चों को जरूर बनाकर खिलाइए, उन्हें बहुत पसंद आएगा। तो आप मेरे वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए। तो आज हम सूजी का टेस्टी नाश्ता बना रहे हैं। तो सूजी का टेस्टी नाश्ता बनाने के लिए हमने एक कप सूजी लिया है और ये बारीक वाला है, तो एक कप हम सूजी डाल देंगे और साथ में दही। तो दही से हम इसे घोलेंगे। अगर आप चाहें तो पानी से भी इसे घोल सकते हैं। तो बस हम इसे ज़्यादा पतला नहीं रखेंगे या ज़्यादा थिंक भी नहीं रखेंगे। तो इसमें थोड़ा और दही ऐड करेंगे, हम इसी कंसिस्टेंसी में रखेंगे। तो अब इसमें हम नमक ऐड कर देंगे, नमक से टेस्ट काफ़ी अच्छा आ जाता है। 10 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए छोड़ देंगे और तब तक हम फिलिंग बना ले रहे हैं। यहाँ हमने गैस ऑन करके कढ़ाई रखा है, तो कढ़ाई हमारी गर्म हो गई है। तो इसमें हम 2 चम्मच तेल डालेंगे। तो तेल को थोड़ा गर्म होने देंगे। तो तेल गर्म हो गया है तो 1/2 चम्मच हम जीरा डाल देंगे, 2-3 हरी मिर्च, इसे हमने काट लिया है तो इसे भी हम डाल देंगे। तड़का को थोड़ा तड़कने देंगे। यहाँ हमने थोड़ा सा लहसुन और अदरक दरदरा कूट लिया है तो इसे भी हम डाल देंगे और इसे भी 2 मिनट के लिए भून लेंगे। तो इसे हमने 2 मिनट के लिए भून लिया है। तो अब इसमें हम गरम मसाला डाल देंगे। तो 1/2 चम्मच हमने गरम मसाला लिया है, इसे हम डाल देंगे। साथ में 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, इसे भी हम डाल देंगे। तो यहाँ हमने एवरेस्ट का चाट मसाला लिया है और इससे काफ़ी टेस्ट अच्छा आता है। तो 1 चम्मच एवरेस्ट का चाट मसाला डाल देंगे और साथ में 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, इसे भी हम डाल देंगे और इन मसालों को थोड़ा सा भून लेंगे। तो मसाले भून चुके हैं, तो हमने 1/2 कप मटर लिया है, इसे भी हम डाल देंगे। तो देखिए मसाले भून चुके हैं और मटर भी थोड़ा सॉफ्ट हो चुका है और मसाले से थोड़ा तेल छोड़ने लगा है। तो अब इसमें हम आलू डाल देंगे। आलू हमने 2 मैश करके रखा है तो इसे हम डाल देंगे। गाजर, इसे हमने ग्रेट करके रखा है तो इसे भी हम डाल देंगे। और 1/2 कप बीटरूट, इसे भी हमने ग्रेट करके रखा है जिससे हमारे सूजी का नाश्ता बहुत हेल्दी बने, तो इसे भी हम डाल देंगे और इसे भी 1-2 मिनट के लिए भून लेंगे मसालों के साथ में। अब लास्ट में नमक डाल देंगे। हमने सूजी में भी नमक डाला है लेकिन इसमें थोड़ा सा नमक और डालना है। तो यहाँ हमारा स्टफिंग तैयार हो चुका है। अब इसमें लास्ट में हम धनिया पत्ता डाल देंगे और इसे भी मिला लेंगे। गैस का फ्लेम अब ऑफ कर देंगे, इसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। तो फिलिंग भी तैयार हो चुका है हमारा और यहाँ हमने सेट होने के लिए सूजी को रखा था। तो 10 मिनट हो चुका है। तो देखिए अच्छे से सूजी हमारा घुल चुका है और दही सूजी में एब्जॉर्ब हो चुका है। तो इसे ज़्यादा पतला नहीं रखना है, बस इसी तरह का हमें बैटर बनाना है। इधर हमने गैस ऑन करके पैन रख दिया है, तो पैन हमारा गर्म हो गया है। तो अब इसमें हम थोड़ा सा तेल डालेंगे। बिल्कुल हेल्दी नाश्ता बना रहे हैं, इसमें तेल की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें। तो तेल को थोड़ा स्प्रेड कर लेंगे। तो तेल हमारा गर्म हो गया है, तो जो हमने बैटर बनाया है सूजी का उसे हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसे गोल आकार में इसे हम बनाएंगे।
अब इसके ऊपर हम टमाटो केचप डाल देंगे, इससे काफी टेस्ट अच्छा लगेगा। हम स्टफिंग लगा लेंगे जो हमने बनाया है आलू का, और इसे थोड़ा हाथों से फैला देंगे। इसके ऊपर हम थोड़ा चीज डाल देंगे और इसके ऊपर फिर हम बैटर लगा लेंगे जो सूजी का है। और जो आलू का फिलिंग है इसे हम कवर कर देंगे ये सूजी के बैटर से। इसे हम 5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। तो एक बार हम ढक्कन हटाकर हम चेक कर लेते हैं। 5 मिनट हो चुका है, कवर हमने हटा लिया है, तो इसे हम फिर पलट देंगे। फिर इसे हम 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे पकने के लिए, और इसे हम बिल्कुल लो फ्लेम पर ही पकाएंगे क्योंकि सूजी हमारा अच्छे से पक जाए। तो देखिए 5 मिनट हो चुका है और ये पक चुका है, तो इसे हम दोनों साइड से करके दिखाते हैं। तो देखिए ये साइड से भी पक चुका है और ये साइड से भी पक चुका है। तो अब इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। और इसी तरह फिर दूसरा बना लेंगे। तो फिर इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे और इसे हम स्प्रेड कर लेंगे, और जो सूजी का बैटर है उसे फिर हम डाल देंगे। और इसे हम चारों तरफ से फैला लेंगे और ये बहुत टेस्टी नाश्ता है और हेल्दी भी है। इसे आप रात में बनाकर डिनर में खा सकते हैं। तो इसके ऊपर फिर हम टमाटो केचप डाल देंगे और इसे हम चारों तरफ से फैला लेंगे। टमाटो केचप को चारों तरफ से स्प्रेड कर लिया है हमने, और इसके ऊपर फिर हम वो आलू का फिलिंग है उसे हम डाल देंगे और इसे चारों तरफ से दबा दबा के डाल देंगे। इसके ऊपर हम चीज डाल देंगे फिर सूजी का बैटर को डाल देंगे। तो इसे हमने अच्छे से लगा लिया है और इसे हम 5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। तो देखिए 5 मिनट हो चुका है, तो कवर हटा लेंगे और इसे हम फिर पलट देंगे। फिर इसे हम 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे लो मीडियम फ्लेम पर। तो 5 मिनट हो चुका है, कवर हटा लेंगे हम, पर हम चीज ग्रेट करेंगे। इससे काफी टेस्ट अच्छा लगता है। और इसे हम 1 मिनट के लिए ढक देंगे जिससे चीज हमारा मेल्ट हो जाए। तो मेल्ट हो चुका है, तो इसे हम निकाल लेंगे और फिर दूसरा भी मेल्ट कर लेंगे। तो इसके ऊपर भी हम चीज ग्रेट कर लेंगे।
और इसे भी कवर कर देंगे। तो ढक्कन हटा लेंगे और इसे भी हम निकाल लेंगे। देखिए ये काफी टेस्टी लग रहा है देखने में, तो खाने में और टेस्टी है। तो गैस को ऑफ कर देते हैं और इसे हम निकाल लेंगे और इसे हम सर्व करके दिखाते हैं। तो देखिए सूजी का हेल्दी टेस्टी नाश्ता बनकर तैयार है और इसे अब हम कट करके दिखाते हैं। तो देखिए अंदर कितना अच्छा फीलिंग है और हेल्दी भी है। आप इसे एक बार जरूर बनाइए और बच्चों को तो बहुत पसंद आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स सूजी का टेस्टी नाश्ता बनकर तैयार है और ये काफी हेल्दी है। आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा। अगर हमारी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।